नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु 90 इयर्स है और ये बीटेक कंप्यूटर बीटेक में कुछ सेकेंड ईयर में है। इनकी माँ ने पूछा है गवर्नमेंट जॉब या विदेश सेटलमेंट। अब ना गवर्नमेंट जॉब का क्लियर कट साइन है ना विदेश सेटलमेंट का साइन है। अब इनकी धन रेखा पूरी जुपिटर की ओर जा रही है तो ये इंडिकेशन है, पर कहीं पर भी ट्रायंगल नहीं शो हो रहा है और बड़ी जॉब के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं फिश साइन चाहिए तो वो भी शो नहीं हो रही है, ना धन रेखा के ऊपर कोई फिश साइन हो तो ये क्लियर इंडिकेशन नहीं है। केवल धन रेखा इनकी जा रही है, विदेश सेटलमेंट तो इनकी जीवन रेखा जरूर चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, तो विदेश सेटलमेंट तो इनके जीवन में मुझे दिख रहा है गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा। पर कहीं ना कहीं फेट लाइन भी कोई एक आध लाइन तो सूर्य पर्वत की ओर जानी चाहिए। पर फिर भी मैंने ऐसे 100 में से 2-3 पाम ऐसे भी देखे हैं जिनका चंद्र पर्वत अच्छा होता है, जीवन रेखा चंद्र पर्वत पर जाती है और फेट लाइन गुरु की ओर जा रही है तो भी उनको विदेश में सेटल होते देखा है। तो ये इस तरह की लाइन नहीं है, जुपिटर की ओर जाती लाइन है तो ये एक प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट नहीं है। पर कोई भी चीज में क्लियर कट इंडिकेशन नहीं शो हो रहा। माइंड लाइन में यव साइन है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो जब उस माइंड लाइन पर आएंगे तब उसके बारे में बताऊंगा कि वो क्या शो कर रही है। पुश्तैनी जमीन एक ये सवाल है, शनि पर्वत पर आएंगे तब उसके बारे में जानेंगे। इनका बिजनेस में इंटरेस्ट है और थोड़ी सी जानकारी दी, ये जब 13 साल के थे तब इनको माइग्रेन का प्रॉब्लम हुआ था एक साल के लिए। फिर ये 17-18 साल के थे, उस समय 2-3 घटनाएं घटी है इनके साथ, किसी ने इनकी उंगली तोड़ी थी और उसके बाद तुरंत 2 महीने के बाद डेंगू हुआ था और 2017 में थंब टूटा था एक्सीडेंट में और एक दांत टूटा था तो सर्जरी हुई थी। ये सारे इंडिकेशन इनके हाथ में दिख रहे, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इनके हाथ में बंधन योग जरूर है पर इतनी सारी जो राहु रेखाएं दिख रही है ये मंगल रेखा ने इनका रक्षण कर लिया, नहीं तो यही रेखा अगर इनकी कंटिन्यू होती, जीवन रेखा इनकी ये है, अगर ये जीवन रेखा होती तो नो डाउट इनको सफलता तो जीवन में जल्दी मिल जाती, पर जीवन में काफ़ी तकलीफों का इनको सामना करना पड़ता। हाँ, बंधन योग के कारण 31-32 तक ये ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, अपनी एबिलिटी से कम मिलेगा इनको, पर राहु रेखाएं नगण्य सी हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज इनके हाथ में है। तो कहीं डिसएडवांटेज है तो कहीं एडवांटेज भी है। यहां पर एक धनुषाकार बन रहा है तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वायरिश है, ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके जीवन को सक्सेसफुल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होगी, सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है और एक इनका सवाल है मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो उस पर भी हम जुपिटर माउंट पर आएंगे तब बात करेंगे। सेकेंड फैलेंज अच्छा होता है तो व्यक्ति यानी व्यवस्थित है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं, तो कहीं किसी के साथ लॉजिक के साथ बात करेंगे, जहाँ चुप रहना वहाँ चुप भी रहेंगे। और अंगूठा व्यवस्थित है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियों के जो पोर है वो कहीं ना कहीं नुकीले है तो इंपल्सिव पर्सनालिटी यानी उतावलापन इनमें ज़्यादा रहता है और उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और सूर्य की उंगली भी बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। और ये उंगली थोड़ी सी हटके चल रही है, जब ये हटके चलती है तो इनके जो सोच होती है वो कंप्लीट डिफरेंट होती है, आपसे हमसे मैच नहीं होती। और जवानी में और टीनेज में तो ये काफ़ी आर्ग्यूमेंट करते हैं इस चीज़ के लिए, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम हो जाता है, पर कई बार तो ऐसी बातें बता देते कि हम आश्चर्यचकित होते हैं कि व्यक्ति इतना अलग कैसे सोच सकता है, ये भी खासियत पाई जाती है।
अब ये उंगली इस फोटोग्राफ के हिसाब से तो नहीं पहुंच रही, पर बहुत बार जब पास में उंगली लेते हैं तो ऐसा लगता है कि पहुंच भी रही है। तो मैं पहुंच रही होगी तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट, ये सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होंगे, और नहीं पहुंचेगी तो इन सारी चीज़ों में ये कहीं ना कहीं थोड़े से कमज़ोर होंगे। और इनके जो उंगलियों के फैलेंज है वो सारे सपाट है, तो इनका सेंस जो इन्होंने बताया कि ये बिज़नेस में इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो ये भी शो करता है कि ऐसे लोग बिज़नेस की इनमें हुनर ज़्यादा अच्छी होती है जिनके थर्ड फैलेंज उंगलियों के एकदम सपाट होते हैं। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते हैं। बुध पर्वत पर देखें तो खड़ी लाइन है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, और यहां पर एक ट्रायंगल भी बन रहा है। ये जब बड़ी लाइनें होती है तो व्यक्ति संपन्नता पाता ही है, पहली चीज, स्पष्ट वक्ता होते हैं। और ट्रायंगल का मतलब कोई ना कोई इनोवेटिव काम करना, प्लस यहां पर एक एपेक्स साइन भी है। जब इस तरह की साइन होती है तो ये लोग भी बिजनेस माइंडेड भरपूर होते हैं, यानी बिजनेस इनके खून में भरा रहता है। तो ये सारे लक्षण तो इनके हाथ में क्लियर कट है। एक बड़ा सरकारी ऑफिसर बनने के लिए कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर सन माउंट पर छोटी तो छोटी फिश साइन चाहिए जो इनके हाथ में अवेलेबल नहीं है। हाँ, मल्टी सिटी के काम की जरूर इनके पास स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है इनके हाथ में, तो ये मल्टी सिटी का काम जरूर करेंगे, फैला हुआ काम कर, और अपने आय से अधिक अच्छी तरह से रहते ये लोग, आसपास के लोगों को लगेगा इनके जीवन में खूब पैसा है। सेकेंड चीज, यहाँ पर भी एपेक्स साइन है तो ये भी सूर्य के बल को बढ़ा देती है। हाँ, छोटी मोटी जॉब अगर सरकारी करना चाहे तो ले सकते हैं, पर ट्रायंगल जुपिटर पर मुझे दिखा नहीं है। बाकी सन माउंट पर कोई साइन नहीं होती, यानी कोई लाइन नहीं होती, तो ऐसे लोगों को बेसिक सफलता आसानी से मिलती है, पर ये बंधन योग वाले तो इनको बेसिक सफलता बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होती। एक लाइन सूर्य पर्वत से निकलकर गुरु पर्वत की ओर जा रही है, तो ऐसे लोग बड़े बड़े व्यक्तियों से संपर्क में आते हैं और ये सफलता पाते ही है जीवन में। मैंने किसी को भी कमजोर नहीं पाया इस तरह की रेखा वालों को। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति भी करता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम भी करते हैं। एक लूप ऑफ सीरियसनेस भी बना हुआ है यहाँ पर, यानी ऐसे लोग सीरियस नेचर के होते हैं, अपने काम के प्रति बहुत लगाव होता है इनको और फोकस होते हैं, तो ये भी एक एडवांटेज है इनके पास। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, और इनके जो पुस्तैनी जमीन जायदाद का जो प्रश्न पूछा, यहाँ पर मुझे कोई स्क्वायर साइन नहीं दिख रही है। हाँ, भविष्य में अगर बन जाएगी तो बात अलग है, वर्तमान में ऐसी कोई साइन शो नहीं हो रही। जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा चार लाभ देती है, सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, या व्यक्ति जो भी कार्य करता हाई एंड पर पहुँचता है, यानी खुद का भी काम करे तो बड़े लेवल पर, और जॉब भी करे तो मैनेजर या मैनेजमेंट तक पहुंचता है। और कंटिन्यू फेट लाइन बनी हुई है, बुढ़ापे तक इनकम जीवन में आती रहेगी। यहाँ पर देखें तो ये साइन भी है, ये व्यक्ति को धर्म के प्रति अलग आस्था। अब ये सारी साइनें हैं, आधी अधूरी है। अगर यही सारी साइनों में अगर छोटी सी फिश साइन दिख जाती या जुपिटर पर ट्रायंगल दिख जाता तो मैं 100% कहता था कि सरकारी जॉब में ट्राई करो। ये व्यक्ति को धार्मिक रूप से अलग बनाती है, धर्म के प्रति सोच अलग होती है, किसी को बता नहीं पाते, और किसी को बता भी दिया तो वो समझ भी नहीं पाता। अब इनका एक प्रश्न था शादी वाली लाइफ, थोड़ा सा जुपिटर माउंट डिस्टर्ब है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो तुतु मैं लगी रहेगी इनकी, इसका मैं उपाय दे दूंगा। सेकंड चीज देखे तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार, पाँच, छः, तो बीच बीच में कहीं ना कहीं मल्टीपल इनकम क्रिएट होती रहेगी, किसी से 5 साल कमाए, किसी से 6 साल,
किसी व्यवसाय से या किसी और इनकम से 8 साल कमाए, इस तरह से बीच बीच में मल्टीपल इनकम होती रहेगी, सेवाभावी बनेंगे, धार्मिकता आएगी, और पामेस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें भी इंटरेस्ट जाएगा। अब चलते हैं इनके अंदरूनी मंगल की ओर। यहां पर ये क्लियर कट स्टार नजर आ रहा है। जब ये स्टार होता है, और एक स्टार यहां पर भी है, ऐसे लोगों को जीवन में एकर्स में जमीन का फायदा मिलता है। हाँ, अगर इन्होंने जानकारी दी है, इनके जो चाचा है उनको कोई संतान नहीं है, अगर उनके पास खेत है, बड़े बड़े खेत है, तो इनको मिलने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि दो स्टार बने हुए हैं इनके हाथ में। ऐसे लोगों को एकर्स में जमीन का फायदा मिलता है, एकर्स में, तो ये बेनिफिट मिल सकती है। क्योंकि मैंने कई लोगों के हाथों में देखा है कि परिवार से व्यक्ति को जब स्टार होता है तो बड़ी बड़ी जमीनें हाथ में आती है। हाँ, मकान बकान रहा तो यहाँ पर देख सकते हम, पर अगर बहुत बड़ी जमीनों का खेल होगा तो ये स्टार दिलाएगा। और इस तरह से जब मंगल अच्छा हो और स्टार हो, तो ऐसे लोग कमजोर भी मंगल रहा तो भी ये शारीरिक रूप से सशक्त बनने की कोशिश करते हैं। मैंने ऐसे कई लड़के देखे हैं जिनका मंगल कमजोर है पर उन पर स्टार है, तो वो लोग जिम जाते हैं, अच्छा खासा पसीना बहाते, ये भी मैंने देखा है। पर इनका कमजोर भी नहीं है, एक व्यवस्थित है, तो शरीर की एनर्जी अच्छी खासी रहेगी। हाँ, थोड़े से चिंतित स्वभाव के जरूर रहेंगे, क्योंकि थोड़ी लाइनें हैं, पर इतनी भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। भारी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे तो एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। ये इनकी जो लाइनें हैं, जिस तरह से पतली है, ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा रिच लोगों के संतान जो होते हैं उनमें इस तरह की रेखाएं पाई जाती है। बहुत ज़्यादा रिच इंसान होते हैं उनमें इतनी पतली पतली हृदय रेखा, इतनी पतली पतली माइंड रेखा, इतनी पतली पतली जीवन रेखा, ये मैंने कई लोगों के हाथ में देखा है, जो मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, इनके डैडी के हाथ में भी सन माउंट पर अच्छी खासी फिश साइन है, पर इनकी फेट लाइन डैडी की डिस्टर्ब है, इसके लिए वो कमा नहीं पाए, पर जब अच्छी हो जाएगी फेट लाइन तो भरपूर पैसा कमाएंगे वो। भारी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे तो एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय, ऐसा कोई मेजर संकट इनके हाथ में नहीं है, पर संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जब इस तरह का चंद्र पर्वत हो तो व्यक्ति का विदेश से संबंध आता ही है, और इनके लगभग परिवार के सभी व्यक्ति के हाथ में विदेश से संबंध है, इनके सिस्टर के हाथ में तो क्लियर कट संबंध है, और इनकी जीवन रेखाई पूरी चंद्र पर्वत पर जाती है। ऐसे लोग विदेश में ट्राई करें तो आसानी से सेटल हो सकते हैं। सेकेंड चीज देखें तो यहाँ पर बुध रेखा अच्छी खासी चल रही है, और इसके कारण एक ग्रेटर ट्रायंगल भी बन रहा है और मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो संपत्ति तो अच्छी खासी जमा कर लेंगे ये जीवन में। और जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो विदेश से संबंध आता ही है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, सोच अच्छी होती है, रिफाइंड, नया नया काम करने का शौक होता है, वो तो यहाँ पर ट्रायंगल है उससे भी होता है, इनोवेटिव माइंड होता है व्यक्ति का ट्रायंगल होने पर, प्लस अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। शुक्र पर्वत भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, काफ़ी सुंदर है, कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा लग्जरी के पीछे भागने वाला भी शुक्र पर्वत नहीं है, और बहुत ज़्यादा जैसा देश वैसा रहने की कला इनके पास मिलेगी। नहीं तो बहुत लोगों के जब शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उभार होते तो उनको लग्जरी के बिना चलता नहीं, बेचैन होते, पर ये काफ़ी अच्छा, जैसा लाइफ जिस तरह की रखेंगे वैसी लाइफ में रहने में ये सूटेबल रहेंगे। अब इनकी हृदय रेखा दो बातें शो कर रही है, एक तो यहाँ से निकलकर मंगल की ओर जा रही है, तो एक सर्टन एज तक इनमें भरपूर गुस्सा रहेगा, और ये पीरियड रहेगा लगभग 36 या 38 तक, हमेशा दिमाग में गुस्सा भरा रहेगा,
क्योंकि मंगल की ओर जा रही है, पर एक सर्टन एज आएगी, ये एज आएगी लगभग 30 के आसपास से, इनका गुस्सा कम हो जाएगा और ये फिर पैसे की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, क्योंकि ये शनि पर्वत से शुरू हो रही है, हृदय रेखा काफ़ी पतली है, तो जीवन तो उत्तम जिएंगे ये, बिना झंझटों वाला जीवन जिएंगे ये, काफ़ी सुंदर हृदय रेखा है, सेम उसी तरह की माइंड लाइन। अब माइंड लाइन पर आते हैं, इनके जो प्रॉब्लम हुए, इनके ये जो यव साइन है, इस तरह की यव साइन नहीं होती, यव साइन इस तरह से होती है, इसको यव साइन कहते हैं। हाँ, पर यहाँ पर इनका जीवन डिस्टर्बेंस जरूर रहेगा, कोई ना कोई प्रेशर बना जरूर रहेगा, इसको यव नहीं कहते, पर ये पीरियड जो होगा ये प्रेशर में तो जरूर जाएगा इनका, और ये पीरियड होगा लगभग 28 से लेकर 30 तक का, 2 साल का पीरियड इनका टेंस में जरूर जाएगा। पर वो जो यव साइन वालों को प्रॉब्लम होती है, वैसी उस तरह की हैवी प्रॉब्लम इनको नहीं होती। उसके बाद अगर माइंड लाइन देखें तो कंप्लीट जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, और इतनी सुंदर माइंड लाइन हो, ये महत्वाकांक्षी भी होते और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते, और इतनी बड़ी माइंड लाइन हो तो इनमें एक माइनस पॉइंट होता है, ये 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा बिना हिले डुले खड़े नहीं रह पाते, पीछे कमर में एक अलग तरह का दर्द होता है, सेम उसी तरह बिना सपोर्ट के भी ये लोग बैठ नहीं पाते, जैसे कई लोग पूजा करने के समय 2-2 घंटा 3-3 घंटा बिना सपोर्ट के नीचे ज़मीन पर बैठ जाते हैं, ऐसे लोग ज़मीन पर नहीं बैठ पाते बिना सपोर्ट के, इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए, तो ये माइनस पॉइंट जीवन भर रहेगा, और जैसे ही सपोर्ट मिल गया वो दर्द गायब हो जाता है, खड़े है कहीं बैठने मिल गया या चलने मिल गया तो वो दर्द गायब हो जाता है, पर उस समय अच्छा खासा दर्द महसूस होता है। सेकेंड, इतनी बड़ी माइंड लाइन वाला व्यक्ति रात को सोने के पहले कोई ना कोई ज्ञान लिए बिना नींद नहीं आती, और 2-3 दिन अगर ज्ञान न मिले तो ये लोग बेचैनी महसूस करते, जैसे एक ड्रग एडिक्ट को बेचैनी महसूस होती है। हाँ, उसमें 1 घंटा ज्ञान लेने मिल गया, चाहे किताब पढ़ने, यूट्यूब पर जाने या गूगल में जाने, और कुछ ज्ञान मिल गया तो ये शांत हो जाते, पर 2-3 दिन अगर इनको कोई ज्ञान लेने नहीं मिला, 2-3 दिन कहीं घूमने गए और कुछ इनको ज्ञान लेने नहीं मिला, तो ये 4th दिन 3rd दिन परिवार पे भड़कना चालू कर देंगे, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है, पर ये अच्छा भी है, और इतनी अच्छी माइंड लाइन हो तो व्यक्ति 100% अपने बुद्धि के बल पर विकास करता ही है। अब इनके जीवन में यहाँ पर एक राहु रेखा काट रही थी, और उसके पहले भी एक राहु रेखा, यानी इन्होंने 2013 साल के थे उस समय बताया, तो इस राहु रेखा ने उस समय ये खेल किया इनके जीवन में। उसके बाद इन्होंने लिखा 17 और 18 साल में एक राहु रेखा ने काटा, तो इनके जीवन में डिस्टर्बेंस आया, और इसी पीरियड में देखे तो इनकी जीवन रेखा के आसपास एक डॉट भी बना है, तो ये जो 1-2 साल इनके जो गए वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट या कोई ऑपरेशन, इसी तरह कोई ना कोई स्टिच, इस तरह की स्थिति क्रिएट होती है, और ये 17 साल के आसपास ये 17 को एक राहु रेखा ने काटा, और ये 1-1.5 साल का पीरियड था, तो इस पीरियड तक इन्होंने पेन उठाया। उसके बाद लगभग 26 के आसपास इनके जीवन में सेनाई बच सकती है, या ये जीवन में इलू हो सकता है, या यहाँ पर सेनाई बच सकती है, दो में से कोई एक इनके जीवन में होगा, या फिर ये राहु रेखा भी गिन सकते हैं इसको, और ये पीरियड होगा लगभग 23 के आसपास का। उसके बाद यहाँ पर ये शादी हो सकती है 26 के आसपास इनके जीवन में, फिर 28 के आसपास इनको एक राहु रेखा ने काटा, पर ये राहु रेखा यहाँ से गिन के कोई मतलब नहीं है, इस रेखा को हम यहाँ गिनते, ये 28 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा इनको,
एक 33 के आसपास इनको राहु रेखा काट रही है, और ये बीच का पीरियड तो मैंने बताया, और यहाँ से इनका 31 के आसपास से फिर विकास होना चालू होगा और ये जीवन रेखा आगे बढ़ रही है। सेकेंड चीज देखें तो यहाँ पर बहुत छोटी छोटी राहु रेखाओं ने काटा, कोई बहुत बड़ी राहु रेखाओं ने नहीं काटा, एक उम्र 41 के आसपास, एक 46 के आसपास, और लास्ट में लास्ट 55। ये इतनी राहु रेखा है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत लाइट है, तो एक दो महीने का टेंस आएगा तो आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये टोटल 4 राहु रेखाएँ हैं। अगर ये जीवन रेखा होती तो भरपूर राहु रेखाएँ थी, भरपूर, हर 2-3 साल में इनको तकलीफ उठानी पड़ती थी। और जीवन रेखा काफ़ी पतली है तो हमेशा पतले और छरहरे बने रहेंगे। सेम देखें तो इनकी धन रेखा के लिए हम दूसरा पाम यूज़ करते हैं। धन रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है तो ऐसे लोगों को विदेश से लाभ या लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है। इस पर देखें तो एक लगभग कट लगा, ये उम्र कट लगा होगा, ये लगभग 26 के आसपास या 27 के आसपास, उसमें कोई ना कोई खर्च आएगा। एक कट उम्र लगभग 29 के आसपास लगा, एक कट हल्का सा 35 के आसपास है, और यहाँ से इनका जीवन चेंज होगा, कोई ना कोई कमाई का माध्यम चेंज होगा। पर ये जो पीरियड है इतना, ये 36 से लेकर अप टू 42 तक का पीरियड अच्छा नहीं जाएगा इनके जीवन में, क्योंकि यहाँ पर खर्च बढ़ जाएगा, थोड़ी सी रेखा सूजन आ गई है। तो ये 42 तक ये कंडीशन होगी, एक 50 के आसपास इनको कोई ना कोई आर्थिक नुकसान जाएगा, और ये ट्रिमेंडस रूप से आगे बढ़ रही है, और ये सारे पारिवारिक खर्चे या कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट शो कर रही है, और अप टू एंड तक जा रही है लाइन। तो ये इनके जीवन का लेखा जोखा है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।